उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महाराजगंज से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स लगातार आपको अपराध जगत की खबरें दिखा रहा है। जिस तरह से बलात्कारियों के उत्तर प्रदेश में हौसले बुलंद है, हत्या पर हत्या बढ़ती जा रही है। जहां आपको बता दें, ये मामला महाराजगंज पुलिस का है, जहां पर एक मानसिक रोगी लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया। पुलिस ने एक्टिव होकर मुकदमा दर्ज किया और 3 दिन बाद उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। जहां आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले मानसिक रोगी लड़की का गैंग रेप कर उसे एक निजी अस्पताल के सामने अर्धनग्न छोड़ दिया गया था। आइए डालते हैं इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आया नया मोड़। 3 दिन बाद युवती का कराया गया मेडिकल परीक्षण। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की मानसिक रूप से कमज़ोर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने युवती का मेडिकल परीक्षण कराया। डॉक्टर के मुताबिक युवती के शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं मिली है। सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि के लिए नमूने को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। शनिवार शाम तक रिपोर्ट मिल सकती है। मेडिकल परीक्षण से पहले युवती का महिला थाने में बयान दर्ज कराया गया। उधर सत्कर्ता के तौर पर युवती के गांव में 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, आपको बता दें, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे श्याम देवरुआ थाने की पुलिस महिला थाने पहुंची। इसके बाद युवती का बयान दर्ज किया जाने लगा। बयान दर्ज कराते समय युवती ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाने लगी और गिर गई। इससे उसे चोट लग गई और नाक से खून बहने लगा। इसके बाद युवती को जिला अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। सामान्य होने पर युवती को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए सदर CHC में महिला डॉक्टर के पास ले जाया गया। दोपहर करीब 2 बजे युवती का मेडिकल परीक्षण किया गया। इस बीच युवती मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर से भी उलझ गई। महिला पुलिसकर्मी ने पकड़कर उसे किनारे किया तो जांच शुरू हुई। आपको बता दें क्या है पूरा मामला। मंगलवार सुबह युवती को गोरखपुर के बटट इलाके में एक निजी अस्पताल के सामने अर्धनग्न हालत में पाया गया था। तब युवती ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि उसके गांव से 5 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर उसके साथ 5ों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया था। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।